हेलो मेडालियंस, चलिए आज अपनी EVS बुक निकालते हैं। यस, टेक आउट योर EVS स्टडीज ए, ओके, इन्वायरमेंटल स्टडीज ए, कम ऑन। इन लास्ट वीडियो, इन लास्ट क्लास वी हैव डन अबाउट आर बॉडी पार्ट्स, ओके, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडे? Living things and non-living things. Okay, so do you know what are living things? Living things कौन से होते हैं? Living things का meaning होता है ऐसे चीज़ें, ऐसे objects, इसमें अभी आप picture में देखेंगे, जो क्या करते हैं, जो living करते हैं। Living का मतलब क्या होता है? जो हमारे जैसे breathing करते हैं, means सांस लेते हैं और मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। हम आप लोग सब रनिंग करते हैं ना, वॉकिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल जाते हैं ना, तो हम सब क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये कैमल क्या है? कैमल भी क्या करता है? मूव करता है और ईटिंग भी करता है हम लोगों के जैसे, हाँ, तो ये सब क्या है? लिविंग थिंग है। और ये बर्ड देखिए, बर्ड भी क्या करती है? फ्लाइंग करती है, इंसेक्ट को ईटिंग करती है ना, इंसेक्ट को ईट करती है, सो ये भी बर्ड क्या है? लिविंग थिंग है, हाँ। और ट्री, ट्री देखिए, ट्री भी है ना, और लिविंग थिंग्स क्या होते हैं पता है? वो ग्रो करते हैं। ऐसे पहले ये प्लांट था ना, छोटा सा, स्मॉल सा, और ग्रो कर गया ना, ये देखिए इतना बड़ा बिग सा ट्री बन गया ना। तो जो चीज़ें छोटी से बड़ी हो जाती हैं, हाँ, वो भी क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स होती हैं। अब आप कहोगे ये बलून भी पहले स्मॉल सा था, इसको ब्लो किया तो ये भी बिग हो गया, तो ये भी लिविंग थिंग हो गया? नो, ये लिविंग थिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बिग हो गया ना, लेकिन बिग होने के बाद इसमें ऐसे पेंसिल से ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, अगेन स्मॉल हो जाएगा। बट ट्री क्या, इसको भी आप ऐसे अगेन स्मॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? लिविंग थिंग है। और ये बलून नॉन लिविंग थिंग है, ओके, हाँ। कैमल भी क्या है? ईटिंग करता है और बिग भी हो जाता है, पहले बेबी होता है, उसके बाद ये यंग हो जाता है और बड़ा हो जाता है, हाँ। ऐसे ही बर्ड भी ये सब क्या करते हैं? मूव करते हैं, ईटिंग करते हैं, हाँ, ये सब लिविंग थिंग्स होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसमें भी हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग है ना। तो ये कार, कार भी चलती है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग होती है। क्यों नॉन लिविंग थिंग होती है? क्योंकि ये जितनी बड़ी रहती है उतनी बड़ी हमेशा रहती है, छोटी नहीं होती है, छोटी से फिर बड़ी हो जाती है। हम लोग के जैसे ईटिंग करती है? नहीं, हम लोग के जैसे खाना नहीं खाती है, बट इसमें फ्यूल लगता है ना, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग है। क्या है ये? नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि ये एक साइज में रहती है, हाँ। और ये टेलीफोन भी जैसे मिलता है हमें मोबाइल, वैसे ही हमेशा रहता है टेलीफोन, ये भी नॉन लिविंग है। आइसक्रीम भी नॉन लिविंग है, बट ये कैट, कैट तो लिविंग थिंग होती है ना, हाँ। आप कहते हो ना ये लिविंग थिंग है, ये देखिए आपके यहाँ आती है, मिल्क ड्रिंक करके चली जाती है, हुँ? और माउस को भी ईट करती है, ये कौन? कैट माउस को भी ईट करती है। और ये बॉय भी देखिए लिविंग थिंग है ना, हाँ, ये भी स्मॉल से फिर बिग 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 होता जाता है ना, हाँ, हम सब लिविंग थिंग्स हैं। और ये देखिए ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हुँ? आइए आपको और बताते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, हुँ? अब आप बताइए ये फिश क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? यस, वेरी गुड, ये फिश भी हमारी लिविंग थिंग है, हाँ, क्योंकि ये भी क्या, कहाँ रहती? वाटर में रहती है, और ये वहाँ पर ऐसे ऐसे, हाँ, मूव करती है। और पेंसिल, पेंसिल तो नॉन लिविंग है, ये बड़ी होती है धीरे 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 धीरे, देखिए ऐसे स्मॉल हो जाती है, तो ये तो बिग हुई नहीं, हाँ। और फिश ऐसे स्मॉल होती है, बिग हो जाती है, हाँ, तो ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है। ये देखिए स्नेक्स और ये बी, ये दोनों क्या हैं? लिविंग थिंग हैं, ये भी मूव करते हैं ना, और ईटिंग भी करते हैं, मूव भी करते हैं, तो ये सब क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। और ये, यस, वेरी गुड, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। देखिए आपको तो आ गया, हुँ? और देखिए एक पेज और है हमारे पास, हाँ। अब देखिए यहाँ पर ये कैटल, यस, ये तो नॉन लिविंग है। बलून आपने पहले ही बताया नॉन लिविंग है, हाँ। हॉर्स, वेरी गुड, क्या कहा? अच्छा, लिविंग थिंग, यस, ये लिविंग थिंग है। और काइट,
काइट मूव करती है, फ्लाइंग करती है, बट कराता कौन है? हम कराते हैं ना। तो ये काइट क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। बैट भी आपका नॉन लिविंग थिंग, और ये काउ क्या है? लिविंग थिंग है। ये भी मूव करती है, ईटिंग करती है, हाँ, ग्रो करती है, हाँ, ठीक। तो ये सब क्या है? ये लिविंग थिंग, ये भी लिविंग थिंग, और बाकी नॉन लिविंग थिंग। तो चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं इस पेज की, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। सो आइए शीट नंबर 6 करते सबसे पहले, ओके। सो व्हाट वी हैव ऑन पेज नंबर 6, वी हैव लिविंग थिंग्स, कलर दी ऑल लिविंग थिंग्स। हमें लिविंग थिंग्स को कलर करना है, ओके। सो कैमल लिविंग थिंग है ना, हाँ। और ये ट्री, यस, ये भी लिविंग थिंग है। और ये बर्ड, ये भी लिविंग थिंग है। तो आपको लर्न करना है, बोलिए, कैमल, ट्री एंड बर्ड आर लिविंग थिंग्स एंड बलून इज नॉन लिविंग थिंग। यस, ऐसे इसको बोलेंगे। और देन इसको जो टिक किया ना हमने, लिविंग थिंग, बस इसे कलर करेंगे, इसको नहीं कलर करना है, ओके। बलून इज नॉन लिविंग थिंग, सो वी आर नॉट अलाउड टू कलर दिस, ओके। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, वी हैव नॉन लिविंग थिंग्स, एंड वॉट टू डू ऑन दिस पेज, वी हैव कलर ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, वी हैव टू कलर ओनली नॉन लिविंग थिंग्स। सो दिस कार इज नॉन लिविंग थिंग, and this telephone is non-living thing, and this ice cream is also non-living thing, but the boy and this cat both are living things. So ye living things ko aapko color nahi karna hai, color sirf non-living ko karna yahan par, okay. So on sheet number 7 we have to color only non-living things. This car, say, come on with me, car, ice cream and telephone are non-living things, and boy and cat are living things. Okay? Yes. Do this work also. Only car and ice cream and this telephone you will have to color. Okay? Yes. You can use your favorite colors. And then we have next page. Nice page is there. Colorful page. You know? So what to do on this page? Circle all the living things. We have to circle the living things only. Okay? And yes, very good. Good, good, good. You said that this fish is living thing. So circle this fish. Yes. And this is no. This is non-living thing. And this snake is living thing. So color it. Huh? I'm using the pencil for circling them. No, you have to use the crayons, okay? Your favorite crayon you can use, okay? And this bee is living thing. We have to circle this one also. And these are non-living thing. Come on, repeat with me. Fish, snake and bee are living things. And pencil, ring and book are non-living things. Okay, repeat all the sentences. And come on the next page, sheet number 9. We have sheet number 9, non-living things. What to do on this page? Color, circle all the non-living things. You will have to circle only non-living. Yes, this is non or living? Yes, this is non-living thing. Just circle it. You can use, I said, no, crayons. And this balloon is also non-living thing. And this kite is non-living thing. And this bat is non-living thing. Yes, you will have to circle only non-living things. And this horse and cow, yes, these are living things. So come on, repeat with me. Cattle, balloon, kite and bat are non-living things. And horse and cow are living things. Okay, repeat all the sentences and do all 4 pages, and after doing the pages, send on WhatsApp group, okay?